जहन दोस्तों, अगर आप ब्लॉगर यूज करते हो या फिर वेबसाइट यूज करते हो तो ब्लॉगर से रिलेटेड फोर महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला हूँ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब आपके माइंड में चलता होगा कि आखिर क्या मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि कैसे किसी भी ब्लॉग्स के कंटेंट को बैकअप लिया जाता है। कंटेंट का मतलब क्या हुआ, तो ये हो गया, ठीक, ये ब्लॉग्स हो गया, तो ये आपका कंटेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे बैकअप लिया जाता है। सेकेंड में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ब्लॉग्स के टाइटल को चेंज किया जाता है। टाइटल का मतलब क्या हुआ, तो ये आपका टाइटल हो गया, ठीक है, साउंड रोल। अब मैं आपको थर्ड टिप बताऊंगा कि कैसे अपने ब्लॉगर को परमानेंटली के लिए डिलीट कर पाओगे। इसको आप जब भी गूगल पे सर्च करोगे तो ये आ जाएगा, बट आप चाहते हो कि आप डिलीट कर दो तो इसको भी डिलीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि कैसे अपने ब्लॉगर के एड्रेस बार को कैसे, यानी कि यूआरएल को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ से एड्रेस बार आपको दिख रहा है साउंड टॉल, इसको कैसे चेंज करेंगे, टोटल आज के इस वीडियो में आपको बताना होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपने आईडी को लॉगिन कर लेना है, ठीक। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो तो देखिए कुछ इस तरह की इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ से एक स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बताऊँगा कि कैसे अपने कंटेंट को बैकअप करके रखा जाता है, ऐसे बैकअप करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा और लिखा हुआ मिल जाएगा थीम, थीम पे आप क्लिक करते हो दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक। ये जो आपको एरो के साइन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ देखिए आपको मिलेगा बैकअप। जैसे ही आप बैकअप पे क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ से मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड पे आप क्लिक करते हो तो एक फाइल आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया HTML में, ठीक। तो यहाँ से आप इसको बैकअप करके रख सकते हो, ठीक है। और देखते हैं कि सेकेंड नंबर टिप्स क्या, तो सेकेंड नंबर टिप्स में मैं ये आपको चेंज करना बताऊँगा। चेंज करने के लिए आपको आना है सेटिंग में, और आने के बाद उसका करना क्या होगा तो देखिए स्टेप बाई, देखिए ये सबसे पहले आपको मिल जाएगा बेसिक यहाँ से, ठीक। बेसिक के नीचे आपको मिल जाएगा टाइटल, आपको टाइटल पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही टाइटल पे क्लिक करते हो यहाँ से आप टाइटल भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं ये टाइटल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ज्ञान सेवा 24, और सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा दोस्तों। जैसे ही सेव पर क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ समय लेगा, उसके बाद चेंज कर लेगा। अब मैं चलिए दोस्तों, अब थर्ड नंबर टिप्स को देख लेते हैं कि कैसे ब्लॉग्स को डिलीट किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे आते हो, मतलब सेटिंग में आने के बाद आपको ड्रैग करके नीचे आना है और देखिएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैनेज, मैनेज का सेटिंग एक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए मैनेज ब्लॉग्स, ठीक है, आपको इस पर आना है। आने के बाद नीचे लिखा हुआ है रिमूव योर ब्लॉग्स, और यहाँ डिलीट पर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपका ब्लॉग्स क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि परमानेंटली डिलीट करने के लिए, जैसे आप परमानेंटली डिलीट कर दोगे तो वहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, आपको सेटिंग पे आना है। आने के बाद दोस्तों आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि कैसे आपको URL, ठीक है, URL बोल दो या फिर ब्लॉग का एड्रेस बोल दो, ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे। आपको आना है पब्लिशिंग में, आने के बाद आपको यहाँ ब्लॉग एड्रेस लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ से भी इसको चेंज कर लेना है, ठीक है। जैसे ज्ञान सेवा 24 हो गया, ठीक, ज्ञान सेवा 24, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हो तो ये देखिए यहाँ से चेंज हो चुका है दोस्तों। ऐसे करके आपको मैं आपको फोर टिप्स बताया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।